हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग एंड बेकिंग। मैं हूँ दीप्ति। आज हम ओडिशा के ऑथेंटिक चितोड़ पिठे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बेसिकली ये राइस और कोकोनट का एक फर्मेंटेड बैटर से बनती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चितोड़ पिठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप रॉ राइस लिया है। आपके पास जो भी वेराइटी का रॉ राइस है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम क्या करेंगे ना, हम नॉर्मल पानी से हम 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फिर उसे 5 से 6 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, मैं राइस को अच्छे से क्लीन करके उसे पानी में 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अब इसका जो सारा पानी है हम ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं 4 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, ये फ्रेश कोकोनट है। तो जिस कप से हम राइस मेजरमेंट किए थे उसी कप से हम कोकोनट भी मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम जितने क्वांटिटी में राइस लेंगे उसका डबल क्वांटिटी में हम कोकोनट लेंगे, तभी हमारा जो पिठा बनेगा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अभी हम राइस और कोकोनट को ब्लेंडर जार में मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बिल्कुल फाइन होना चाहिए। यहाँ पे मैं 2 बैचेस में पेस्ट बना रही हूँ। तो फर्स्ट बैच का पेस्ट रेडी हो गया है, ऐसे ही हम दूसरे बैच की पेस्ट भी रेडी कर लेंगे। सारा राइस और कोकोनट का पेस्ट अभी बन गया है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। पिठा के लिए अभी हम स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप गुड़ को ग्रेट करके लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे पाउडर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जैसे पानी डाल के उसे अच्छे से मेल्ट कर दिया है। गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट और उसके साथ ही डाल देंगे 1/2 कप छेना। यहाँ पे छेना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन छेना डालने से पिठा और भी टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पे छेना और कोकोनट को बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे स्टफिंग हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, बैटर बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हो गया है। मैंने इसे 7 घंटा के लिए रख दिया था, मैंने ओवरनाइट रख दिया था। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थिक लग रहा है तो यहाँ पे मैं 1/2 कप दूध डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हो। बैटर हमारा बिल्कुल रनी होना चाहिए, मीन्स बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। आप उसके हिसाब से बैटर में पानी या फिर दूध डाल के उसका कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हो। बैटर में हम 1/2 टीस्पून नमक डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पिठा के लिए बैटर रेडी हो गया है। अभी हम एक कढ़ाई या फिर तवा को हाई फ्लेम में बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसे घी या फिर ऑयल से ब्रश कर लेंगे। फिर हम जो बैटर रेडी करके रखे थे उसमें से 2 लैडलफुल ला के कढ़ाई की सेंटर में पोर कर देंगे। हम उसे ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। हम पहले कोकोनट और छेना का जो स्टफिंग बनाए थे उसे पिठा के ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है मीडियम से लो ही रहेगा। पिठा के ऊपर कोई भी अच्छे से सेट होने वाला एक कवर रख देंगे। फिर उसके चारों तरफ हम पानी स्प्रिंकल कर लेंगे। ये पिठा का स्पेशलिटी यही है कि बिल्कुल इसी तरीके से ये पकता है। ये जो पानी का स्टीम है उससे ही ये कुक हो जाएगा और इसे हम फ्लिप नहीं करेंगे। एक्चुअली इस पिठा को एक मिट्टी के पॉट यानी कि मिट्टी की एक कढ़ाई जैसी आती है उसमें बनाते हैं, लेकिन आजकल मिट्टी के बर्तन कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने नॉर्मल पैन में इस पिठा को बनाया है। नॉर्मली पिठा को कुक होने में 3 से 4 मिनट लगता है, लेकिन टाइम वेरी करता है पिठा के थिकनेस के ऊपर, आप कितने क्वांटिटी में बैटर यूज़ किए हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पिठा बना लिया है, इसमें कुछ विदाउट स्टफिंग वाला भी बनाया है। तो पिठा को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी बना सकते हो। ये जो पिठा है बिल्कुल कॉटन जैसी सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी हमारा ऑथेंटिक चितोड़ पिठा बन के रेडी हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।